विनोद तावड़े जी, बरस पूरा हो रहा है, जश्न नहीं हमें पता चला, इस बार संवाद होगा लोगों से, आप लोगों का। लेकिन इस एक बरस के दौर में पहला सवाल हर जहन में यही है कि आप क्या कांग्रेस का एनसीपी, आप अपनों से ही लड़ रहे हैं या अपने ही आप से लड़ रहे हैं? तो लोग बड़े अनसुलझे से हैं कि एक साथ हैं तो, लेकिन एक साथ नहीं है क्या? ये परेशानी में डाल रहा है आप लोग को? मुझे लगता है कि सरकार के तौर पे जो निर्णय कर रहे हैं वो तो हम सब साथ में कर रहे हैं, इसलिए वहां तो हम साथ बने हैं, सरकार में साथ है तो साथ हो रहा है। कहीं नगर निगम के चुनाव है तो वहां पर अगर कहीं सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो स्वाभाविक था एक दूसरे का अलग अलग मत होता है, क्योंकि ये दो अलग पार्टियां हैं, ये कोई दो एक पार्टी नहीं है। और इसलिए ऐसे समय पे जब अलायंस होता है तो अलायंस स्वाभाविकता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है, लेकिन सरकार में जो निर्णय हुए उस पर अलग अलग मत ये आया नहीं है। सरकार के बाहर के कई ऐसे इश्यूज रहे हैं जरूर, उसमें शिवसेना का अलग मत रहा कुछ विषयों में, कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन सरकार चलाने में कोई दिक्कत आई ऐसे पिछले साल में तो मैंने महसूस नहीं किया। आपने ये महसूस नहीं किया कि जिन मुद्दों को शिवसेना आपके साथ खड़े होकर सड़क पर उठाती है और कैबिनेट के भीतर आप ही कह रहे हैं कि डिसीजन एक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पे आके वो डिस्टर्ब करते हैं, कैबिनेट में आपके साथ पॉलिसी डिसीजन में आके खड़े हो जाते हैं? शायद इसका जवाब भरत कुमार रावत देंगे, ऐसा कहा ना आपने। तो क्या ये माना जाए कि अगर शिवसेना कोई सड़क पे आके हंगामा खड़ा करती है तो वहां पर चूंकि शिवसेना आपके साथ खड़ी है तो आपकी भूमिका खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, उल्टा हमने तो हमारी सरकार के नाते जो भूमिका है वो निभाई, इसलिए तो मतांतर हो गया। कई विषय ऐसे रहे कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने वाली पार्टी, सरकार के नाते जो संविधान के शपथ लेकर हम मंत्री पद पे बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, उसका निर्वाह करते समय जो बातें हुई उसको ही तो कुछ मुद्दों को शिवसेना ने विरोध किया। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के तौर पर जो जो निर्णय हुए वो साथ हुए, वो चर्चा करके हुए। कई विषय ऐसे जरूर आए जैसे मैंने कहा कि उन विषयों पर शिवसेना की भूमिका अलग रही, हमारी भूमिका उसमें अलग रही, और उसमें हम हमारी भूमिका हमने सरकार में आते समय संविधान की जो शपथ लेकर आए हैं उसका निर्वाह किया। धनंजय मुंडे जी, विपक्ष के नेता भी हैं आप, और लग ऐसा रहा है कि महाराष्ट्र में जिनकी सत्ता है वही विपक्ष में है, आपकी भूमिका ही नहीं है कोई? मुझे ऐसा लगता है कि हमने विपक्ष के नाते जो भूमिका एक साल के अंदर निभाई है, और पहली बार मैं ये मानता हूं, मैं भी 15-20 साल से राजनीति में हूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना को वोट देके सरकार बनाने के लिए कहा, एक साल के अंदर हमने सामान्य लोगों के प्रश्न उठाते हुए विपक्ष के नाते इतना किया कि एक साल में उस महाराष्ट्र की जनता को आज हमने बीजेपी और शिवसेना को वोट दिया इसका पछतावा हो रहा है। और विपक्ष का यही एक काम होता है कि सरकार अगर कहीं गलत करती है तो विपक्ष ने रास्ते पे आके और सदन में सरकार का विरोध करना चाहिए। और जहां तक जितनी गलतियां एक साल के अंदर सरकार ने की है, हर एक गलती का जवाब हमने सरकार से पूछा, और वो सदन में भी पूछा और रास्ते पे भी पूछा। इसका मतलब साफ है कि अब कहां विपक्ष दिखता है नहीं दिखता है, एक साल के अंदर जैसे सत्ता हमें दिख नहीं रही है, सरकार होने के बावजूद हम जहां महाराष्ट्र के देहात में घूम रहे सरकार है या नहीं है, और जो है वो एक दूसरे में झगड़े कर रहे हैं, सरकार का अस्तित्व दिख नहीं रहा, और स्वाभाविक तरफ से आपके नजरिया से विपक्ष का भी आपको अस्तित्व नजर नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष है। और अभी आप देखेंगे कि नगर पंचायत और कुछ महानगर पालिकाओं के चुनाव चालू है, 2 तारीख को उसके नतीजे आएंगे, और उस नतीजे के आप देखते हुए लगेगा कि विपक्ष है या नहीं है।